नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे DSSB के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक GSK, ठीक है, जो आपके 2024 एग्जाम में पूछे गए भी जेल वार्डन के एग्जाम हुए थे, और ये 20-22 टॉपिक जो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ये टॉपिक तैयार करके आपके आसानी से 20 में से 17-18 नंबर आसानी से GS में आ जाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं DSSB जे के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। हम इसमें बात करेंगे जेल वार्डन एग्जाम 2024 में उसके रिव्यू के आधार पर, साथ ही साथ प्रेशर बेसिस पर कौन से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेने हैं। तो बात करते हैं पहले जनगणना की। जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेल वार्डन के हर एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अच्छे से सारे फैक्ट आपको तैयार कर लेने हैं। आगे बात करते हैं तो दूसरा जो टॉपिक है आपका संशोधन, पोल्ट्री से आए, इसमें आपको संशोधन पढ़ लेने हैं। सारे जो इंपॉर्टेंट है संशोधन, बस वही पढ़नी है आपको। आर्टिकल पढ़ लेने और अनुसूची पढ़ लेनी है, ठीक है। अनुसूची 12 बार आपको अच्छे तैयार कर लेनी है। आर्टिकल सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट है वही आर्टिकल पढ़ने हैं, फालतू आर्टिकल नहीं पढ़ने, ठीक है। आगे बात करें हम तो हिस्ट्री में, हिस्ट्री के आपको वार पढ़ने हैं, उनकी डेट याद रखनी है, साथ ही साथ उनके विनर, ठीक है, कि कौन सा युद्ध कब हुआ था और किस डेट को होता है, साथ ही साथ इसका विनर कौन रहा है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे बात करें तो हिस्ट्री में ही हम गवर्नर फैक्ट याद रखेंगे अच्छे से, गवर्नर फैक्ट की कौन सा गवर्नर जनरल कब बना था, किसके दौरान क्या कार्य किया गया है, ये सब। आगे बात करें तो इंडियन मूवमेंट की, भारतीय आंदोलन को अच्छे से पढ़ लेना है, किसने आंदोलन शुरू किया था, क्या क्या उद्देश्य थे उनके, कब समाप्त हो, कैसे समाप्त हो अच्छे से, ठीक है। आज गांधी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, गांधी से रिलेटेड फैक्ट है, गांधी ने कब यात्रा शुरू की, कौन सी खत्म की, क्या उसका भूमिका थी, क्या नहीं, सब एक लाइन बाई लाइन। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका गांधी के फैक्ट्स वाला, जो क्वेश्चन आता है इससे। आगे बात करते हैं कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस से रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो आपके माउंटेन, रिवर, हिमालय, आपके नदियाँ, आपके पहाड़ और जो हिमालय पर्वत है उनकी चोटियाँ, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है अच्छे से ज्योग्राफी में आपको तैयार कर लेनी है। इससे आगे बात करें तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट सबसे ऊंची चोटी, वेस्टर्न घाट सबसे ऊंची चोटी, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको तैयार कर लेना है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं DSSB में। आगे बात करें तो स्टेटिक GK में देखें तो आपको डांस, फेयर, म्यूजिशियन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, फोक डांस, ड्रेस, स्टेट सॉन्ग्स, यानी डांस किसका राज्य, कौन सा डांस फेमस है, कौन सा मेला फेमस है, म्यूजिशियन कौन से, कौन म्यूजिशियन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, साथ ही फोक डांस कौन से राज्य का फेमस है, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें हम तो स्टेट पीक पॉइंट्स, यानी कि राज्य जो ऊंची चोटियाँ हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट पढ़ लेने हैं। आगे बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, जो स्टेट गवर्नमेंट शुरू करती है, कि कौन सी योजना कब शुरू की, इसका उद्देश्य क्या था, कितने लोगों से लाभ हुआ नहीं हुआ, या ऐसे इस तरीके से। आगे बात करें स्पोर्ट्स में आपको मेडल, ओलंपिक, एशियन, खेलो इंडिया, ये सब स्पोर्ट्स के अंदर आपको मेडल से रिलेटेड फैक्ट, ओलंपिक से, एशियन गेम्स से, खेलो इंडिया से, इन सबसे रिलेटेड फैक्ट आपको तैयार कर लेने हैं। आगे अवार्ड में देखें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड, फिल्म फेयर, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। एक आपको पता होना चाहिए कि पहले किसने जीता है, पूछे करंट में किसने जीता है, ये सब, ठीक है। फिर इंटरनेशनल संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी स्थापना कब हुई है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रेसिडेंट कौन है, ईयर कौन सी है, यानी कौन सी ईयर में स्थापना हुई थी। आगे फिर वही कि इंडियन करेंसी रिलेटेड फैक्ट, इंडिया की करेंसी जैसे 500 रुपये के नोट के पीछे किसका है, 20 रुपये के नोट के पीछे किसका है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये सब फैक्ट आपको अच्छे से लिख के याद कर लेने हैं। फिर बजट 2022 और 23, साथ ही साथ 23-24 दोनों आपको पढ़ लेने हैं। और बात करते हैं करंट की, करंट अफेयर में आपको एक साल की करंट अच्छे से तैयार कर लेने हैं, मंथली वाइज, जो मंथ में एक किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो आप, जो महीने में एक बार करवाते हैं ना वो देखनी आपको, हर डेली की नहीं देखनी। नेबर्स कंट्री, जो पास वाली कंट्री से रिलेटेड फैक्ट, उनमें कौन सी करेंसी यूज होती है, संसद क्या है, उनके प्रेसिडेंट कौन है, ETC, जो भी फैक्ट बनते हैं कंट्री से। वैसे भी फेमस अवार्ड्स की बात करें हम तो एकेडमिक, फिल्म फेयर, ये कब शुरू किए गए, इनके विनर कौन था, सबसे पहला विनर कौन था, प्रेजेंट विनर कौन है, मतलब ये दो तो आपके याद होने चाहिए, साथ साथ शुरू कब किए गए थे, ठीक है। ये सब टॉपिक करने के बाद 20-22 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, इसके आपके GS में से 20 में 17-18-16 नंबर तो 100% आपके आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि PY की प्रैक्टिस करना, कि हमारा कैसे कॉन्फिडेंस ग्रो, तो आपको SSC के प्रेशर क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। SSC के PY करने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर DSSB के क्वेश्चन कर सकते हैं प्रेशर क्वेश्चन। मैं तो आपको DSSB जरूर कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम बचा तो पिनाकल की बुक से प्रेशर क्वेश्चन लगाना, वरना DSSB के कर तो जरूर करके जाना आप, ठीक है। आपका ऐसे क्वेश्चन लग जाएंगे 16-17-20 में से, और सही भी निकलेंगे। तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको GS के बता दिए, और ये जेल वार्डन के एग्जाम उसके रिव्यू के बेसिस पर आपको बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं वीडियो के साथ, बोलते जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।